स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। जी, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, मुझे जीविका दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाय बीजी, मेरे बेचारे बच्चे को रिमांड पे क्यों रखा हुआ है आपने? जीविका तो क्या, इसको तो अपने जीवन के बारे में भी कुछ नहीं पता। और वैसे भी मैं अपने मासूम को उन दो बिल्लियों से ना बहुत दूर रखती हूँ। अरे कोई मेरा टीवी चालू कर दो ना भाई। इस लड़के को उन दोनों लड़कियों की हर बात की पूरी खबर होती है। बता डब्बू, जीविका कहाँ है? बता दे मेरे बच्चे, अगर तू बताएगा ना मैं तुझे टप्पा भर के लड्डुओं का दूंगी। कल के लड्डू बचे हैं? अरे मुझे तो कोई देता ही नहीं है। और जो कल चार खाए थे? वो तो चखने के लिए। देख डब्बू, अगर तुझे पता है तो सब सच बता दे। पता कहाँ गए? वो बाजार गए, टीले पे गए या घाट पे गए? घाट पे गई है, घाट पे गए। अच्छा, तो तुझे सब पता था? हा? मुझे सिर्फ घाट के बारे में पता है, डॉक्टर मनन के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर मनन, वो कौन है? कौन डॉक्टर? जल्दी बता। मानवी दीदी चाहती है कि जीविका दीदी की शादी डॉक्टर मनन से हो जाए, क्योंकि डॉक्टर मनन जीविका दीदी को बहुत प्यार करते हैं और सभी यही चाहते हैं कि दोनों शादी करके बहुत खुश हो जाए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मदन चल। ओम जटाक्त विक्कल जलम प्रवाह भावितस कले कले पलम बलम वितांबुजम कर्तुंग मालिका डमक 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 बिना डमर वय चकार चंड तांडवम नमो। आज आपको मिलने आया है। क्षमा चाहता हूँ, आज की सभा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, कल फिर भेंट होगी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी, दरअसल हम डॉक्टर मनन से मिलने आए थे, उनकी क्लिनिक बंद थी तो हमने सोचा एक बार आपसे पूछ लें। बेटे, पर डॉक्टर मनन तो यहाँ नहीं है। ओ, कोई बात। वाह बेटे वाह, थोड़ा जोर से, उस पैर में भी दबाना थोड़ा जोर से। ए डब्बे, ए इसका नाम डब्बा नहीं है, डब्बू है इसका नाम। अरे चाची क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? खड़ा हो तू, खड़ा हो, जा अपने कमरे में। और खबरदार, तू अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दफा हो यहाँ से। और तू मेरे बेटे से दूर रह। क्या हुआ है चाची, कोई पंगा हुआ है क्या? पंगा? तेरी वजह से पूरे घर में दंगा होगा, दंगा। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, अपने कारनामों से मेरे बेटे की बदनामी कराएगी और फिर कौन करेगा शादी मेरे मुत्तर से? अरे चाची क्लियर बात करो ना, क्यों जलेबी की तरह घुमाती रहती हो? जलेबी कौन लाए जलेबी? अरे मुझे तो कोई बताता ही नहीं है। चाची अब मुझे बताइए बात क्या है? बात तो अब बीजी आके बताएंगी, मुझे बहुत काम है। चाची क्या हुआ? अरे दी, इनकी पीठ में दर्द हो गया, आज आप इनकी हेल्प कर दो। कल को मैं तेरी पक्का हेल्प कर दूंगी बेटा। चाची कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा बेटा आ जा। मानवी इधर है। किसके साथ चक्कर है इसका? आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ किसी को बताओगी नहीं। अरे लेना, चल बता। खानदान कौन सा है? कपूर खानदान, पंजाबी। अरे वाह, दादा का नाम क्या? राज कपूर। बाप का? ऋषि कपूर। अरे बेटे का नाम क्या है? रणबीर कपूर। अरे वाह, बहुत अच्छा खानदान है। है ना? है ना? तो आप भी जिसे उनके रिश्ते के बारे में बात करोगी ना? हाँ जरूर करूंगी। दे ताली। वाह, शादी के बाद मेरी बेटी का नाम क्या होगा? जीविका रणबीर कपूर। आप डॉक्टर मनन को तो जानते हैं, वो एक अनाथ है, ना उसके वंश का पता है और ना ही उसके खानदान का। देखिए बहन जी, पहली बात तो यह है कि मनन ऐसा लड़का नहीं है,
और दूसरी बात, अगर वो जीविका को पसंद भी करता है तो इसमें आपत्ति क्या है? मनन एक बहुत अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, संस्कारी है, और रही बात वंश की, तो कर्म वंश से बड़ा होता है। आचार्य जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका के लिए एक ऊंचे खानदान का लड़का देखा है, और मैं नहीं चाहती कि इस मोड़ पर आकर वो रिश्ता टूट जाए। जैसा आप उचित समझे। जय सियाराम। जय सियाराम। दीजी, आपको तो मैं बात कर लूं इस बारे में जीविका से? हरगिज नहीं, ना मानवी से और ना ही जीविका से, मैं उनसे बात करूंगी। और हाँ, आज के बाद डॉक्टर मने का विषय हमारे घर में कभी नहीं उठेगा। दीजी, आप हमेशा मानवी और जीविका के साथ गुस्से में क्यों रहते हो? मदन, तुझे सच में लगता है कि जब मैं उनसे गुस्सा होती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती? लेकिन क्या करें, बचपन से उनके माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, किसी ना किसी को तो सख्त होना ही था ना। अगर मैं सख्त नहीं होती तो कौन होता? तू होता। चल। अरे, टप्पू के हाथ में लड्डू का डब्बा और पूरा भरा हुआ, क्या बात है डब्बू, क्या हुआ? दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलना रे भाई। दीदी, मेरा नाम क्या है? डब्बू। भूल गया क्या? और आप मुझे क्या बुलाती हैं? डब्बा। दीदी, खाली डब्बे के साथ लोग क्या करते हैं? बजाते हैं। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरा भाई है, छोटू सा पालू सा भाई है ना तू मेरा, क्या हुआ बोलना। दीदी, मैंने ना जीविका दीदी और डॉक्टर मनन के बारे में दादी को सब कुछ बता दिया है। तो दादी डॉक्टर मनन और जीविका दीदी की शादी होने नहीं दे रहे? हम दादी को ही किडनैप करवा देते। हाँ, और किडनैप कौन करेगा? तू दीदी ऐसा कर दे, ये किडनैप करवाएगा जीविका दीदी और डॉक्टर मनन की, वो भाग कर शादी करवा देना। नहीं यार, वो दोनों तो ऑलरेडी भाग रहे हैं, एक लेफ्ट में भाग रहा है तो एक राइट में भाग रहा है। भागने से किसी के भाग नहीं खुलने वाले, हमें कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा। दी, मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं क्या? बोल यार। दीदी, हम डॉक्टर को धमकी देते हैं, अगर वो जीविका दीदी को भगा नहीं ले गया ना तो हम डॉक्टर को ही किडनैप कर लेते हैं। तुम लोग मुझे एक बात बताओ पहले तो, कि किडनैप कर लेंगे, उठा लेंगे, भगा लेंगे, इसका तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से? क्या देख क्या रहे हो आजकल टीवी पे? सन्नाटे को चीरती सनसनी। नहीं यार, हमें कुछ नया सोचना चाहिए। दीदी दीदी, कल मैंने एक फिल्म देखी, उसमें हीरो ने हीरोइन को एक लव लेटर लिखा था। अरे यार, लव लेटर का आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं, मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता। दीदी आप लिखो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे इससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, मुझे नीचे उतारा गया है तेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। जीविका चौधरी का घर यही है जी, और ये बिजली का बिल होगा मुझे दे दे। नहीं, ये किसी के दिल का बिल है, डॉक्टर मनन ने इसमें अपने दिल का हाल बयां किया है। दी, वाह, क्या मुझे दे दे। नहीं दी, क्या जरूरत है, जब आप डॉक्टर मनन के दिल का हाल नहीं पढ़ सकती तो इस लेटर को क्या पढ़ोगी, खाक। दे मुझे। नहीं दी, मैं पढ़ती हूँ ना, रुको। किसी और का लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं। अच्छा हुआ दादी ने अभी तक जीविका दीदी को ये नहीं बताया कि उन्हें सब पता है, नहीं तो दीदी तो इस लेटर को पढ़ने से पहले ही फाड़ देती। दिल की बात कभी जुबान पे ना आ सके, वो इसलिए क्योंकि पढ़ से डर नहीं लगता, लेकिन प्यार से लगता है। प्यार भागे रे मन, कहीं भागे रे मन चला जाए किधर जाने ना, ये डॉक्टर मनन की राइटिंग है। तो क्या डाकिया चाचा की हैंडराइटिंग है? ऑब्वियसली डॉक्टर मनन की है, आगे के लिखे पढ़ो ना। दीदार दे, दीदार दे, चाहे एक बार दे,
कल सुबह 11 बजे अकेले। मैं इंतजार करूंगा, घाट पे आना जरूर अकेले। डॉक्टर मनन इतनी फिल्मी भाषा कब से बोलने लगे? अरे प्यार का बुखार है दी, और डॉक्टर अभी मरीज बन गया है। पर उन्होंने मुझे घाट पे क्यों बुलाया है, पर वो भी अकेले। शायद मेरी रिपोर्ट्स डिस्कस करनी हो। तेरी रिपोर्ट? हाँ। तू ब्लड टेस्ट करवा के आई थी? जो तेरे रिपोर्ट्स आएंगे, डर के मारे भाग गई तू। दी भागते वही है जो फास्ट होते हैं, जो फिट होते हैं। और जब मैं फिट हूं तो मैं ब्लड टेस्ट क्यों कराऊं? मुझे कुछ नहीं हुआ। कि ना आपको कुछ ना कुछ हो रहा है ना दी? हो रहा है ना। मुझे क्या होगा? कुछ कुछ होता है जीविका, तुम नहीं समझोगी। तो पागल हो गई है क्या? उन्होंने बस मिलने बुलाया है, लेटर में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। क्यों, दुख हो रहा है? और भी कुछ लिखना था? ला मैं पढ़ती हूँ, चेक कर देना। मैं कुछ और लिखा हो तो मानी मैं खड़े मुझे लेटर फिर से। हाँ मानी, एक बार मानी मुझे लेटर, एक बार जी बस एक बार चिमान चल लेटर दे दे। तो पास नहीं कह रही, एक बार देख ले तो मानी। मैं क्या करूँ मानी? यही क्या हो रही थी? शर्म नहीं आती? तेरी तो शादी होने वाली है। पीछे की तो खुशी के निशान। चुप कर तू। अच्छी तरह जानती हूं क्या क्या गलत पट्टियां पढ़ा रही है इसे, बिगाड़ना चाहती इसे। और ये भी जानती हूं क्या क्या अफवाहें फैला रही है तू। दोनों मेरी बात सुनो, कल शाम तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और अगर तूने कोई भी बखेड़ा खड़ा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो समझदार है, हमेशा मेरा मान रखा है ना। उम्मीद करती हूं आगे भी मेरा मान रखेगी। इससे तो कोई उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं। नहीं बीजी, बीजी ऐसे मत करो बीजी। आप जब तक अपनी जबान वापस नहीं लोगी बीजी, बीजी प्लीज मत करो ना। क्या कर रही है? बीजी मुझे माफ कर दो बीजी, बीजी प्लीज मुझे माफ कर। माफ कर दिया, चल उठ, समझा इसे। क्या नहीं मानगे? दादी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। उन्होंने जिंदगी में कम दुख देखे हैं क्या कि मैं उन्हें और दुख दूं? पर दी ये दुख सुख की बात कहां से आ गई, आप मुझे बताओ। ओके लिसन, लड़के वाले आपको शाम को देखने आ रहे हैं ना, और डॉक्टर उन्होंने आपको सुबह बुलाया, तो प्लीज एक बार जाके उनसे मिल लो प्लीज। मानवी मिल लूंगी, लेकिन मिलने का क्या फायदा जब कल। तो तुम लोग यहाँ बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे हो? अच्छा, मानवी की हाथों की गरम गरम चाय कब मिलेगी? चाचू डफर समझ के रखा है, साफ साफ बोलो ना जहाँ जीविका से बात करनी है। अदरक डाल देना चाय में प्लीज। मिर्ची डालू? काली वाली। दी अगर मुझसे नहीं तो कम से कम अपने पिता समान चाचू से तो अपने हृदय की बात बता सकती हो ना। दी बताना जरूर, चाय मत। ओके वैसे सही कह रही थी, चलो मैं सीधे सवाल से शुरू करता हूँ। डॉक्टर मानन से प्यार करती हो? दो ऑप्शन है तेरे पास, हाँ या ना। अब ये साइलेंट रहने का ऑप्शन नहीं दिया मैंने तुझे। देख जीविका, मैं जानता हूं ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैं नहीं चाहता कि तू कोई गलत कदम उठाए। अगर तू डॉक्टर मनन से प्यार करती है तो तू मुझे बता, मैं बात करता हूं ना दादी से। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच। पूरी रात पड़ी है, आराम से सोच, कल सवेरे मुझे बता देना, ठीक है? और उस तूफान मेल की बातों में मत आना, ठीक है? तू अपना दिमाग लगाना,
क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जैसा सोचती है बिल्कुल सही सोचती है। अरे बड़ी पीछी क्या सोच रहे हो? अरे तूने जो वो कपूर खानदान की बात की थी ना, इसके बारे में सोच रही हूँ। अच्छा क्या उसके घर में सब लड़के ही है क्या? नहीं नहीं, उसकी दो चचेरी बहनें भी हैं। क्या नाम है उनका? करिश्मा कपूर और करीना कपूर। और माँ भी तो होगी ना? हाँ ऑब्वियसली। तो उसका नाम क्या है? बबीता। तो एक काम कर, उसका फोन नंबर डाल। क्यों? अरे दो औरतें बात करती हैं और रिश्ते की तो अच्छा रहता है ना। तो एक शर्त पे दूंगी मैं। क्या? जिन चाबियों पे आप बैठी हो ना, मुझे वो चाहिए। मुझे पता है। हाँ, मेरे सोने के कंगन पर तेरी नजर है, मैं नहीं देने वाली। हाँ तो ठीक है जाओ, मैं नंबर भी नहीं दूंगी। हाँ तो मैं रिश्ते नहीं कराऊंगी। Presenting गर्मा गर्म चाय विद द अदरक्स। थैंक यू, ये मैं अपने कमरे में जाके पीऊंगा, वरना तुम्हारी चाची मेरी क्लास खड़ी कर देगी। है? ये क्या शॉर्ट थे स्वीट? क्या हुआ? चाचू को डॉक्टर मानन के बारे में किसने बताया? तूने? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया, भगवान की कसम दी थी मैंने नहीं बताया। यार मारो गोली यार। क्या कर रहे थे चाचू? डॉक्टर मानन के बारे में पूछ रहे थे कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ या नहीं। उन्हें? ओह माय गॉड, उन्हें? वाह दी वाह। अच्छा छोड़ो, अब तो चाचू ने भी अप्रूवल दे दिया यार, अब तो मिल लो जाके। नहीं मानवी, चाचू से बात करने के बाद मुझे और डर लग रहा है। डर क्यों दीदी? मैं सिंपल कर देती हूँ, अपने लिए नहीं जा सकती, मेरे लिए तो जा सकती हो ना प्लीज। मानवी दादी। अच्छा दादी और मेरे बीच में, अब दादी की बात सुनोगी? वैसे तो बोलती रहती हो सारी दुनिया एक तरफ, मेरी बहनियां एक तरफ, सिर्फ बोलती हो ना, आप नहीं मानती। मान लो क्या है? तुझे पता है ना कि मैं भगवान से पहले तुझे मानती हूँ। रहने दो, झूठ मत बोल। सच? झूठ? पक्का वाला सच? सच। ठीक है जा बालिके, भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे मद्रासी भगवान बस कर। अगर आप नहीं गई नदी तो अभी गुजराती भगवान भी आएंगे, फिर बिहारी भगवान भी आएंगे, फिर जिज्जस भी आएंगे। अब इतने सारे भगवान आएंगे और आप फिर भी नहीं जाओगी, ऐसे थोड़ा ना होता है। जाओगी ना? जाओगी ना मनु? जाओगी ना? बोल दो ना, इतने भाव क्यों खा रही हो? जाओगी ना? साफ साफ डॉक्टर मनु को बोल क्यों नहीं देती? कितना सिंपल है, आई लव यू। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में बोल दो। मनन जी मुझे आपसे प्रेम हो गया है। हे भगवान ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं और क्या नहीं। मैं क्या पहनजी और टूटा फूटा सामान हटा लियो। दी आप अभी तक यही हो? हे भगवान दी जल्दी चलो यहां। नहीं मनु। दीदी मैं भी जाऊंगा। अच्छा तू भी जाएगा? आओ सर इधर भाग गया, निकल भाग। मनु नहीं। क्या बनारसी साड़ी? क्यों इसे पहनने की क्या जरूरत है? क्यों इसे खराब कर रही हो? लड़के वाले आपको थोड़ी ना दी को देखने आ रहे हैं, है ना? जीविका तुम लोग कहाँ जा रहे हो? किचन में। अरे जीविका बेटा कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। जीविका कहाँ जा रही हो तुम दोनों?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।